हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मैं आज ब्लॉग डाल रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना, टाइम ही नहीं रहा एडिटिंग करने के लिए। बहुत सारे क्लिप शूट करके रखे थे बट वही एडिटिंग के लिए टाइम ही नहीं मिला। इधर उधर घूमने में सारा टाइम निकल गया। तो ये मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैं गई थी ना दादरा गार्डन, गई थी अपनी फैमिली के साथ। सो वहाँ का मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो मैंने नहीं शूट किया था, क्योंकि यू नो आप जाते हैं फैमिली के साथ तो एंजॉय भी करना रहता है। शूटिंग में ही लगे रहेंगे तो फैमिली के साथ कब टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये मेरी मम्मी है, मेरी स्वीट मामा देख रही है मुझे और बोल रही है, उनको नहीं समझ में आता ना ये सब, तो उनको बताना पड़ता है ये देखो ऐसे ऐसे क्यों शूट कर रही मैं ऐसा। क्योंकि पहले क्या होता था, जब हम वीडियो नहीं बनाते तो हम जनरली फ़ोटो ही क्लिक करते थे ना सारे जब जाते थे फैमिली। तो अभी उनके लिए सब नया एक्सपीरियंस है कि ये वीडियो बना रही है, वो पोज देके खड़ी हो गई कि मेरा फ़ोटो क्लिक होने वाला लगता है ऐसा। बट ना उनको बताया मैंने ऐसा वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। तो ये ना मेरी सिस्टर का बेबी है, ये छोटा वाला, ये देखिए ये जो स्टेयर्स पे चढ़ रहा है इधर खेलने के लिए, और मम्मी उसको संभाल रही है मेरी। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा नॉटी है बट बहुत फ्रेंडली है, किसी के पास भी चला जाता है। जनरली बच्चे ऐसे होते हैं ना, जल्दी से जाते नहीं है किसी के पास, बट ये इसने मुझे पहली बार ही देखा। जब से इसका जन्म हुआ ना तब से मैंने इसे देखा ही नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं इससे मिली हूँ जाके। मेरी शादी के जस्ट 1 मंथ पहले इसका बॉर्न हुआ था, तो उसके बाद से मैं मिली ही नहीं थी इससे। ऐसा हो रहा था, मैं जा रही थी घर पे तब सिस्टर नहीं आ रही थी, सिस्टर आ रही थी तब मैं नहीं जा रही थी, ऐसा हो रहा था तो मिल ही नहीं पा रहे थे। तो फर्स्ट टाइम हम मिले, बट वो बहुत ही अच्छे से ऐसा उसने किया नहीं कि नहीं मैं जानता नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा मौसी के पास, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही अच्छे से मेरे पास आया, खेला। तो ये छोटे थोड़े मोमेंट मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये दादरा गार्डन है, ये बहुत फेमस है, इसमें ना काफ़ी सारी शूटिंग्स भी होती रहती हैं इस गार्डन में मूवीज़ की। अभी तो शायद भोजपुरी मूवीज़ की ज़्यादा शूटिंग होती है, पहले मैंने देखा है कि कुछ बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है यहाँ पर, एक दो नाम तो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है सबके। फूल और कांटे आई थिंक है, गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा, बट मैंने नहीं किया है। बट होती है यहाँ शूटिंग्स, मैंने काफ़ी टाइम यहाँ से इस रास्ते से आते जाते हैं ना, तो हमने देखा है इस गार्डन में शूटिंग्स होती रहती है। ये देखिए, ये है क्यूटी, नहीं चाहिए, कोई भी बाहर वाला कुछ दे दे तो नहीं लेता है, बहुत ही गई मासी गई खेलने जाओ, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। कोई अनजान बच्चे दिख जाते हैं ना उनके साथ भी खेलने लग जाता है मीनिंग नहीं उनको, बट वो ये चीज़ें नहीं लेता है किसी से, वो अच्छी बात है, और ना देता है किसी को अपनी चीज़ें, वो भी है। वो देखो मौसी, और वो बड़ा वाला बेबी है वो जो खेल रहा है मेरी सिस्टर के साथ, और वो छोटू बीच में खड़ा हो गया जाके, उसको वही करना है जो उसका बड़ा भाई करता है। हाँ मैं भी छोटी थी ना तब मेरी सिस्टर भी ऐसी करती थी, तो हम मैं तो उसको भगा देती थी, खिलाती नहीं थी अपने साथ। बचपन में बहुत शैतान थी मैं, नहीं खिलाती थी उसको, और मैं देख रही हूँ अभी इनका भी ऐसे ही होता है, तो बचपन में ना सब ऐसे ही होते हैं। बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड किया हमने, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ। और भाई हमें छोड़ के चला गया था, मतलब उसको कुछ काम था, तो हम लोग ही थे, मेरी सिस्टर, मम्मी और बड़ी वाली सिस्टर मेरी बड़ी, और ये दोनों के बेबीज। बट गर्मी बहुत थी वहाँ। और यहाँ पे ना कुछ बना है पीछे, एक और ही उन्होंने ब्रिज बनाया है पीछे, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पहले नहीं था ये अभी, या फिर होगा मैंने नहीं ध्यान दिया होगा, मैं पूरा गार्डन नहीं घूमी हूँ कभी। इस बार भी गए थे तभी भी मैं पूरा गार्डन नहीं घूमी थी, क्योंकि घूमते घूमते पैर ही दुख जाते हैं, इतना बड़ा गार्डन है, और फिर यू नो एक जगह बैठो वहीं से मज़े लो तो अच्छा है सब घूमने के चक्कर में। तो ये वाला जो व्यू है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए, और देखिए यहाँ मैं खुद ही अपनी वीडियोग्राफी करते हुए, बिकॉज़ मैं सिस्टर को देती हूँ ना, तो वो क्या करती है कैमरे को पोर्ट्रेट मोड में शूट कर देती है, उसको बार बार समझाना पड़ता है मुझे ऐसे लैंडस्केप में कर, क्योंकि मुझे वीडियो डालना होता है तो ऐसे शूट करना पड़ता है। तो मैंने कहा मुझे दे दे, मैं सेल्फी स्टिक लेके गई थी अपनी, उसी से मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। तो ये देखिए, ये है मेरी फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा बिजी है व्यूज़ देखने में, और मैं बोल रही इधर देखो कोई देख ही नहीं रहा है, देखो ऑल आर बिजी इन देयर ओन। सो ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, ये लेक है छोटा सा, इसमें ना बोटिंग होती है, इस गार्डन में बोटिंग के लिए भी है, जो कि मैंने तो नहीं की क्योंकि मुझे नहीं पसंद है बोटिंग इतना, मैं दूर से ही नज़ारे ले लेती हूँ बस। तो आप भी इंजॉय करिए फ्रेंड्स,
और मुझे बताइएगा कमेंट में कैसे लगा आपको ये गार्डन। अगर आप भी कहीं आसपास रहते हैं तो ट्राई करिएगा विज़िट करने का। ये देखिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रीज रेडी हो गए और हमने यहाँ पे ना बहुत सारे फ़ोटो भी क्लिक किए और हार्ड कॉपी भी निकलवाए। यहाँ पे कैमरामैन भी घूमते रहते हैं कैमरा लेके, उनसे निकलवाए थे। कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं होता है इन रियल जितना ये अच्छा दिखता है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बस ये छोटा सा व्लॉग था फ्रेंड्स मेरा आज का, और मैं छोटे छोटे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी मैं कहाँ कहाँ घूमने गई थी। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।